हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आरफा शौकत, आरफास किचन एंड हर वर्ल्ड से आप लोगों के सामने आज मैं हाजिर हूँ बहुत दिनों के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मेरी बर्थडे पे बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भेजी, दुआएं भेजी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता और हमेशा खुशहाल अपने अपने घरों में रखे। फ्रेंड्स, आप सबको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को आप लोग सब साफ़ सुथरा रखिए, पोल्यूशन ना फैले। इसलिए आप लोग ग्रीनरी बढ़ाइए, पेड़ लगाइए, अपनी इस कायनात को, अपनी ज़मीन को सरसब्ज और शादाब रखिए। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है फ्राइड चिकन जामा मस्जिद स्टाइल। तो दोस्तों, आइए आज देख लेते हैं कि आज के हमारे फ्राइड चिकन जामा मस्जिद स्टाइल के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दोस्तों, ये 1 किलो चिकन है जो मैंने बिल्कुल वॉश करके धो के इसको रखा है। और इसके बाद ये योगर्ट है 1 कटोरी, ये इसमें जाएगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये भी इस फ्राइड चिकन का हिस्सा बनेगा। फ्रेंड्स, ये स्पाइसेस हैं जो फ्राइड चिकन में यूज़ होंगे। तो आप ये देख लीजिए, सेंटर में है नमक। नमक से फिर आप राइट हैंड साइड पे जाएं तो लाल मिर्च पाउडर है। इसके बाद 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून ओरिगेनो पाउडर है। इसके बाद पीली मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है। और नमक से आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए तो ये हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून सौंठ है और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है और 1 नींबू भी इसमें जाएगा। फ्रेंड्स, ये चिकन रखा हुआ है और अब हम इसे इसका मैरिनेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे नमक। ये हमने नमक लगा दिया जो कि 1 टेबल स्पून था। और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड कर दिया इसमें। इसके बाद ये विनेगर चला गया, ये योगर्ट चला गया इसमें। इसके बाद ये हमने विनेगर डाल दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके बाद हमने ये चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये हल्दी, ये ज़ीरा, गरम मसाला, ये सौंठ और ये ओरिगैनो। और अगर आप चाहें तो पिंच ऑफ कलर भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें थोड़े से मैंने हल्दी भी डाला है, उससे भी कलर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो पिंच ऑफ कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये हमने सब इसमें मसाला लगा दिया और अब हम इसमें 1 लेमन भी स्क्वीज करेंगे। ये देखिए, ये लेमन हमने स्क्वीज कर दिया। तो दोस्तों, ये मैरिनेशन जो है ये कंप्लीट हो गया है और हम अब इसको फ्रिज में 8-10 घंटे में भी ये हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन हम इसको 24 घंटे बाद फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट भी हो जाए और इसमें गलावट भी लग जाए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि चिकन मैरिनेट हो गया है। तो हमने मैरिनेशन करके चिकन रख दिया था। अब थोड़े घंटे गुजर चुके हैं और हमारा चिकन जो है फ्राई के लिए तैयार है। ये देखिए दोस्तों, चिकन जो है मैरिनेशन के बाद रखा है मैरिनेटेड होके, और अब हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमने पैन हीट में ऑयल डाल के फ्राइंग पैन में हीट अप होने के लिए रख दिया है और ये खूब अच्छे से हीट अप हो चुका है, इसलिए अब हम इसमें चिकन डालेंगे फ्राई होने के लिए। Thank you.
ये देखिए मैंने सारे चिकन इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि हर पीस जो है अच्छे से ऑयल में डिप हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए काफ़ी हद तक फ्राई हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए ये मैंने फ्लेम बिल्कुल हाई कर दिया है। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है कि सख्त हो जाए, कि जूसी बोटियां रहें तो हमें निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्राइड चिकन जामा मस्जिद स्टाइल रेडी है। इसके साथ मैंने ये हरी चटनी भी बनाई है जो हरा धनिया, हरी पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन से बनी है। इसमें नमक और नींबू भी पड़ा है। तो दोस्तों, ये गर्मा गर्म फ्राइड चिकन जामा मस्जिद स्टाइल तैयार है। यस फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि फ्राइड चिकन जामा मस्जिद स्टाइल तैयार हो गया है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार डिश है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और चलते चलते आप लोगों से मेरी वही रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल आरफाज किचन एंड हर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।